Hello students, this is Akanksha Mishra. I hope you all are doing really good. So today in the class 4 EBS, we are going to complete the exercise of chapter number 15, Caring and Sharing. So you all have understood already what the chapter consists. So let's start. So students, first we are going to do the exercises in which which is there, take the right answer, take the correct answer. So A, we are doing the correct answer. First question is here. So property that belongs to everyone and not a single person is. Property that belongs to everybody and not a single person. Yes. So there are four options. The first is ऐसी property जो कि हर किसी को belong करती है, प्रत्येक व्यक्ति को belong करती है, किसी एक person के लिए नहीं होती, किसी एक किसी individual को नहीं belong करती. सो ऐसी प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? सो ऑप्शंस आर स्टेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी. सो यू ऑल नो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी बी, पब्लिक प्रॉपर्टी. ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी कंप्लीटेड. So this is A1, property that belongs to everyone and not to a single person is what? It is a public. Our second question is saying here that they provide a playground for children to play games. So who provide the playground? So options are school, markets and banks. So you all know that playground is basically provided by the school. Okay, so it is schools here. Now come to the third question. Monuments and a part of our monuments are a part of our dash. Monuments हमारे culture के लिए क्या है? Monuments हमारे historical culture के past part. So here it is going to be historical. So वो कोई भी monument हो, फिर वो Red Fort हो, वो कुतुब मीनार हो, वो ताजमहल हो, वो चार मीनार हो, ये सारे monuments क्या हैं? ये हमारी country को represent करते हैं, ये हमारे part है historical culture. Fifth question, small parks in the cities are maintained through. So जो भी हमारे small parks होते हैं, जो कि मैंने एक बार बताया था आपको कि government बहुत सारे पब्लिक पार्क्स उन्होंने हमें प्रोवाइड किए हुए हैं. कुछ जिनकी केयर करना किसकी ड्यूटी होती है, जिनका ध्यान रखना है, जिसकी केयर करना वहाँ के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी अपने ड्यूटीज को फुलफिल करें. सो नाउ फिफ्थ पॉइंट, द गवर्नमेंट कलेक्ट्स मनी फॉर द मेंटेनेंस थ्रू आवर पब्लिक प्रॉपर्टी. जो गवर्नमेंट होती है, ओके, गवर्नमेंट जो अपने पैसे को कहाँ है, जो पैसे कलेक्ट करती है, जो भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उनके मेंटेनेंस के लिए, तो वो किसके थ्रू करती है? सो लेट्स सी द ऑप्शंस. द ऑप्शंस आर हियर प्रॉफिट, सेल एंड सी ऑप्शन इज टिकट. सो वो प्रॉफिट के थ्रू हमसे पैसे कलेक्ट करती है या फंड्स कलेक्ट करती है, या फिर वो सेल के थ्रू करती है, या फिर वो हमारे टिकट्स के थ्रू करती है. सो ऑब्वियसली वेन एवर यू गो टू अ पब्लिक प्रॉपर्टी, जब भी हम किसी पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, सो मोस्टली वी पे द टिकट, वी बाई द टिकट्स. सो इन दिस वे वी पे दिस. सो टिकट्स खरीदने के बाद हम उन्हें जो पेमेंट करते हैं, वो बेसिकली एक फंड होता है गवर्नमेंट के लिए, जिसके थ्रू वो पब्लिक प्रॉपर्टीज का मेंटेनेंस करती है. सो नाउ दिस गोइंग टू बी टिकट्स. ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन, पहला हमने देखा कि जो भी प्रॉपर्टीज वो सभी को बिलोंग करती हैं, वो होती है पब्लिक प्रॉपर्टी. सेकेंड हमने देखा कि ऐसे कौन है जो कि चिल्ड्रंस को प्रोवाइड करते हैं प्लेग्राउंड, सो वो है स्कूल्स. थर्ड हमने देखा कि मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो किसका पार्ट है, वो हमारे हिस्टोरिकल कल्चर का पार्ट है. एंड फोर्थ हमने देखा
स्मॉल पार्क, जो भी पार्क और पार्क्स होते हैं वो सिटीज में, और उनका मेंटेनेंस कौन करता है, वो किसके थ्रू मेंटेन होते हैं, तो वो इंडिविजुअल्स को मेंटेन करते हैं, उसकी उसका ध्यान रखते हैं कि वहाँ पे डस्ट ना हो, लिटर ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो. फिफ्थ, द गवर्नमेंट कलेक्ट्स मनी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ मेंटेनेंस थ्रू द, जो गवर्नमेंट जो भी मनी कलेक्ट करती है वो किसके थ्रू कलेक्ट करती है, वो टिकट्स के थ्रू करती है. ओके, नाउ कम टू द फिल इन द ब्लैंक्स. So now we are going to do the fill in the blanks. So now let's start the fill in the blanks. We are going to do the fill in the blanks. So the first is railway station and parks. So जो भी railway stations होते हैं, parks होते हैं, वो कौन सी property होती है? Public और private. So they are the part of our public property. Come to the second, throwing garbage in dash places is not a good thing. So कहाँ पे garbage फेंकना is not a good thing. So basically जो भी public places पे आप जा रहे हो वहाँ पे आप garbage अगर फेंकते हो तो फिर that is not at all a good thing. Okay? So public. Come to the third post. School provide us with the number of facilities like. So जो भी school होते हैं वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, वो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं. उनमें से ही होती है जो भी हमारा डेस्क हो गया, एंड उसके साथ साथ क्या आते हैं, उसके साथ साथ हमारा कंप्यूटर एंड टीचर. ओके, कंप्यूटर एंड टीचर ऑल्सो. सो दिस इज गोइंग टू बी कंप्यूटर एंड टीचर्स. तो स्कूल हमें बहुत सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे डेस्क हो गए, कंप्यूटर हो गए एंड टीचर्स. नाउ फोर्थ, ट्रेन बसेस मेट्रोज आर मीट फॉर. ट्रेन बसेस मेट्रोज जो होती हैं वो किनके लिए होती हैं, किनके लिए वो यूजफुल होती हैं, सो आर किसके लिए बनी होती हैं, वो हमारे पब्लिक यूज के लिए बनी होती है. नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट, हिस्टोरिकल. फिफ्थ फिल द ब्लैंक्स इज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. जो भी हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वो किसके लिए, गर्व की बात है, टेल मी. सो इट इज गोइंग टू बी, इट इज पार्ट ऑफ अवर नेशनल प्राइड, राइट. सो ये हमारे नेशनल प्राइड है जो भी हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं. सो इन दिस वे वी कंप्लीटेड दिस फिल इन द ब्लैंक्स. सो दीज वर द थिंग्स वी हैव कंप्लीटेड. द फर्स्ट वॉज द रेलवे स्टेशन एंड पार्क्स आर द पार्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी. सेकेंड वॉज थ्रोइंग गार्बेज. जो भी गार्बेज है वो हम पब्लिक प्लेसेस पे फेंकना एक बुरी बात है, वो हमें नहीं करना चाहिए. थर्ड पॉइंट, स्कूल्स प्रोवाइड. जो भी स्कूल्स होते हैं वो हमें नंबर ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, उनमें से हो सकता है डेस्क, कंप्यूटर एंड टीचर्स आर एग्जाम्पल्स. नाउ फोर्थ, ट्रेन बसेस मेट्रोज आर मीट फॉर. ये किन के लिए होते हैं ट्रेन बसेज एंड मेट्रोज, ये पब्लिक यूज के लिए होते हैं. एंड फिफ्थ, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. जो भी हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वो किसके लिए गर्व की बात है, वो हमारे राष्ट्र के लिए गर्व की बात है. सो इट इज गोइंग टू बी नेशनल. सो नाउ इन द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू डू द सी क्वेश्चन, क्वेश्चन सी. सो जो हमारा क्वेश्चन सी है वो क्या कह रहा है कि आप प्लेस द थिंग्स. कुछ चीजें आपको दी गई हैं एंड कुछ जो कि आपको बॉक्सेस में, आपको कुछ हेडिंग्स होंगी उनके अंडर आपको मेंशन करना है कि ये प्लेसेस कौन से हेडिंग्स में आते हैं. सो हमारे तीन हेडिंग्स, सो व्हाट कैन वी डू हियर, मेक थ्री कॉलम्स. हम थ्री कॉलम्स बना सकते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी, सॉरी प्राइवेट प्रॉपर्टी. द सेकेंड इज गोइंग टू बी द कॉमन प्रॉपर्टी. So, हमें तीन हेडिंग्स दी गई हैं और हमारे पास तीनों के लिए प्लेसेस दिए गए हैं. हमें ये देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी के अंडर में कौन सी प्लेसेस कवर होते हैं. सो द फर्स्ट इज म्यूजियम. सो यू ऑल नो कि म्यूजियम किस में आता है, म्यूजियम एक कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सा प्लेस है. सो इट इज अ पब्लिक प्लेस, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज टैक्सी. सो टैक्सी इज अ पार्ट ऑफ, इट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ कॉमन. ओके, रो. रो इज गोइंग टू बी वॉट,
कॉमन प्रॉपर्टी. टैक्सी एंड रो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉमन प्रॉपर्टीज. सिनेमा, सिनेमा सभी को पता है, थिएटर्स, सिनेमा, ये सभी कौन सी प्रॉपर्टी होंगे? पब्लिक प्रॉपर्टी. क्लब, क्लब इज ऑल्सो द पब्लिक प्रॉपर्टी. नाउ कम टू द लॉन्स. सो यू ऑल नो लॉन्स आर द पार्ट ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी. सो जो भी प्लेसेस हैं ये वो लॉन्स में वो प्राइवेट प्रॉपर्टी. पोस्ट बॉक्स, इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन. पोस्ट बॉक्स सभी के लिए अवेलेबल होते हैं. सो पोस्ट बॉक्स कौन सी प्रॉपर्टी है? पोस्ट बॉक्स हमारी एक पब्लिक प्रॉपर्टी है. एयरपोर्ट सभी को मालूम है, वी हैव टॉक्ड अलॉट अबाउट दिस. एयरपोर्ट कौन सी प्रॉपर्टी है? पब्लिक प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट इज अपार्टमेंट्स. अपार्टमेंट्स पब्लिक होते हैं, वहाँ पे सभी लोग जा सकते हैं, सभी अवेल कर सकते हैं? नहीं, वो जो प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट. Now, come to the next, lifts. So, lifts is going to be the part of common property. And the last, houses. So, houses kya honge? Private property. Okay? So, these are the things which I have mentioned. Private property, lawns, apartments and houses. And common property, taxi, rows, lifts. And then the public property, museum here, cinema, club, post box. At the airport. So these places are the public property. Now we will do the question number D, which is basically give the short answer for the following, and then we will start answering the questions one by one. Question number D, which is give some answers for the following. So we have to give the short answer. Hame short answer dena hai few questions ke. So question number first is name some historical monuments of India. So कुछ ऐसे historical monuments के नाम बताने हैं. So first is we can give चार मीनार. Okay. Second we can take ताज महल. Right. Now the fourth is, the third is going to be what? The third can be, so the third one can be Red Fort. Okay, and then we can say India Gate. So these are the, so कुछ हमें historical monuments के नाम बताने हैं. So पहला है हमारा चार मीनार, second है हमारा ताजमहल, third है हमारा Red Fort, and fourth है हमारा India Gate. Okay, now the next question, question number 2. So the question number 2 is saying, what is private property? Name some of them. So private property kya hai? और हमें इनके कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज के हमें यहाँ पे नाम बताने हैं. सो प्राइवेट प्रॉपर्टी, एज यू ऑल नो दैट द प्रॉपर्टी दैट बिलोंग्स टू एन इंडिविजुअल. सो प्रॉपर्टीज दैट बिलोंग्स टू, प्रॉपर्टी दैट बिलोंग टू that belongs to an individual is known as which property? Private property. Okay? And ऐसी property जो कि किसी एक individual को belong करती है वो क्या कहलाती है? Private
property. Okay, now come to the next question. So our next question is, so ऐसी properties कौन सी है जो public properties होती हैं and उनमें से कुछ properties के नाम देंगे. So which, what is public property and name of few of them. So now come to the answer, which is going to be here. So property that belongs to everyone. Property, ऐसी property जो सभी को belong करती है लेकिन किसी एक person को नहीं, and not to a single person, called public property. Okay, so property that belongs to everyone and not to a single one is known as or is called public property. Now examples of this property, so kaise hum name kar sakte hain properties ko. So first it can be, you all know, markets, right? Markets, roads, palaces, jewelry, etc. These properties are what? These properties are known as the public property. Okay. So our next question is the detailed answer. Now we have to give the answer in detail. So now first question is, what care should we take when traveling a public property? जब भी आप एक public property या public place पे travel कर रहे हैं, so आपको कौन से steps हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? So our first, you all know that do not litter, right? हमें कभी भी पब्लिक प्रॉपर्टी या प्लेसेस पे कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए. ओके, नाउ द सेकंड इज, वी कैन से वी शुड नॉट ड्रॉ और राइट ऑन द walls of public places or property. Okay, so हमें कभी भी जो public property है उसकी wall पर कुछ लिखना या कुछ भी draw नहीं करना चाहिए. और whenever you are traveling, whenever you are going somewhere, so we should not break the electric, we should not break the electric fittings. हमें कभी भी electric fittings को break नहीं करना चाहिए. So जो भी हमारी public properties में electric सुविधाएं हमें दी गई हैं, electric facilities हमें provide की गई हैं, उनसे related कोई भी चीज हमें damage नहीं करनी चाहिए. We must not spit on the walls. Okay, जो भी walls है उन पे हमें कभी भी spit नहीं करना चाहिए. किसी कोई भी wall हो public property का, उस पर कभी भी आपको थूकना नहीं चाहिए.
ओके ऐसा कोई भी प्लेस हो, कहीं भी हो, पब्लिक प्रॉपर्टी आपकी प्राइवेट, अपने वॉल्स पे कभी भी हमें थूकना नहीं चाहिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर दिस आई विल आस्क यू टू मेक, ओके यू हैव टू पेस्ट द पिक्चर्स, यू हैव टू पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ सम पब्लिक प्रॉपर्टीज, फ्यू पब्लिक प्रॉपर्टीज, यू हैव टू टेक अ पेज एंड देयर, और उस पेज पे यू हैव टू जस्ट पेस्ट सम पिक्चर्स लाइक ताजमहल, ओके हमारा राजफोर्ट हो गया, और भी जो हमने पब्लिक प्रॉपर्टी की बात की थी लाइक रेलवे स्टेशन, पार्क्स एंड म्यूजियम, इन सभी पब्लिक प्रॉपर्टीज में से जो भी आप अवेल कर सकते हैं एटलीस्ट सिक्स पिक्चर्स यू हैव टू फाइंड सिक्स पिक्चर्स, एंड वो सिक्स पिक्चर्स आपको क्या करनी है, वो सिक्स पिक्चर्स आपको अपनी नोटबुक या फिर आप एक पेज पे, एक आप एक पेज ले सकते हो ब्लैंक, एंड उस पेज पे आपको ये सभी पिक्चर्स पेस्ट करके रखनी है, एंड देन दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क दैट यू हैव टू पेस्ट दिस पिक्चर. द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, टू क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, देन वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू.